देने उसको वोट दो, जिसको नहीं देने नहीं दो, ये मैं कोई तय करता हूं या आप तय करते हो? ये तो पार्टी का किए गए काम, उसके क्रियाकलाप, उसका शासन, उसकी उपलब्धि, उसका विकास, इन चीजों पर तय होता है कौन वर्ग खुश है कौन वर्ग ना खुश है। आप बेकार की बहस में पड़े हो, अरे भाई आप खूब चुनाव लड़िए, लेकिन आप भी जेब में पर्ची लिख के घेर लीजिए, या तो टीवी डिबेट पे आप मत आना, या टीवी डिबेट पे हम नहीं आएंगे उस दिन के बाद। भारतीय किसान यूनियन कोई चुनाव लड़ने वाली नहीं है, इसमें प्रतीक त्रिवेदी यहाँ पे गवाह के रूप में है, आप जरा इसको नोट कर लो। जी, लास्ट हमारे पैनलिस्ट हैं शिवम त्यागी, उसके बाद डिबेट ओपन। शिवम त्यागी प्रतीक जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाचा जान नहीं कहना चाहिए था असदुद्दीन ओवैसी को, उन्होंने तो अपने आप को ही स्वघोषित लैला घोषित किया हुआ है, तो मतलब वो नाम भी अच्छा ही है मुझे लगता है कहीं ना कहीं, तो जब वो घोषित किया हुआ है तो उसके बाद चाचा जान मनाना ठीक नहीं है, वही सही है उनपे। और दूसरी बात, धर्मेंद्र जी ने कहा कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, और खैर आप इतिहास में पहले भी चुनाव लड़े हो, जिला पंचायत में भी लड़े हो, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव लड़ना ही आवश्यक नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी जगहों में क्या होता है कि लोगों को ना आउटसोर्स कर लिया जाता है, जो काम आप खुद नहीं करना चाहते उसके लिए किसी को थर्ड पार्टी आउटसोर्स कर लीजिए। मैंने किसानों की नहीं कहता, वो तो हमारे ही वोट है, खुद धर्मेंद्र जी भी शायद हमें ही वोट देंगे, लेकिन राकेश टिकैत तो वो आउटसोर्स्ड प्रोडक्ट है जो समाजवादी जिन बातों को कहना चाहती है उनको कह देते हैं आके, तो नुकसान तो आपको है भाई। अब्बा जान पे आपको इतना दुख लगा तो आप चचा जान ले आए, ये बात अगर अखिलेश जी कहते तो साबित होता कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन आप आउटसोर्स जी। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, नगर में 10 लाख पहुंच जाते हैं तो तुम्हारे पास और बचा क्या है? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास और बचा क्या है आप लड़ने के लिए? अरे आपको मेरिट में, आपको मेरिट में रैली करनी थी, आप अलीगढ़ चले जाते हो, रात रात में राजा महेंद्र प्रताप को ढूंढते हो, आपका डर जायज है शिवम जी, आपका डर जायज है, आपका डर जायज है, वो भी हमें वोट देंगे, आपका डर जायज है शिवम त्यागी। आपके प्रधानमंत्री जी को मेरिट की सभा छोड़नी पड़े, आपका डर जायज है, आपका डर पक्का जायज है। अरे तुम्हारी औकात है इस हिंदुस्तान में किसी की औकात है किसानों को हायर कर सके? अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो तुम हायर करके दिखाओ, अगर तुम्हारे में दम है तो तुम हायर करके दिखाओ, ठेकेदार नहीं हो, अगर तुम्हारे में दम है तो तुम हायर करके दिखाओ। सुनिए, हम खुद किसान हैं, किसानों के स्वाभिमान को चैलेंज मत कीजिए। सुनिए, क्या बात बोलते हो, क्या भाषा बोलते हो, ये देश का तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम हायर करके दिखाओ। अरे टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होता, किसान नहीं है आप, मैं हिम्मत है तो आप हायर करके दिखाओ। जी 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 भाईजान, भाईजान 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 आराम से, भाईजान आराम से, आराम से, नहीं टिकट टिकाऊ है, चैलेंज के साथ कहता हूँ भाईजान 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 की हिम्मत प्रदेश की जनता करते हैं, तुम्हारे में हिम्मत और कुवत है तो तुम हायर करके आंदोलन खत्म कराते। मत खुलवाइए पोल भाई, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, अरे खोल, मैं पोल मेरी क्या बोलूं, पोल मत खुलवाइए, ये अरे मैं क्या बोल, बोलो चुनाव के बाद बोलना है, बोलो मैं चैलेंज करता हूँ, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है, तुम्हारे में हिम्मत होगा तो राइट राइट, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, राजेश जी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, वन बाई वन, नहीं 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 डिबेट में समझ में नहीं आता, फिर नहीं नहीं डिबेट करने वाले नहीं, बात करते हो, छोड़िए, क्या खोल खोल, क्या जो किसान है, क्या तुम्हारे पास के साथ है, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे है, क्या तुम्हारे पास कहने को, बताइए, चोरों को दिखा दिया तो ले लेंगे। अरे चोर तुमसे बड़ा कोई चोर है, तुमसे बड़ा कोई चोर है, लूट मचा रखी है तुमने, थाने तुम्हारे नेता बेचते हैं, और तुमसे बड़ा चोर है कोई? अच्छा चलिए ठीक है, रोके रोके, मैं रोकता हूँ, दोनों को रोकता हूँ, दोनों को रोकता हूँ, दोनों को रोकता हूँ, दोनों को रोकता हूँ। असीम भाई, ये तो ज्यादा अच्छी बात है कि कोई कहे किसी से, धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, कोई किसी से कहे कि तुम चोर हो, कोई कहे तुम उससे बड़े चोर हो, तो कोई कहे चाचा भतीजा, कोई कहे अब्बा, ये तो ठीक ही है, कम से कम उससे तो ठीक ही है, जो कोई कोई कहे किसी से चोर हो, कोई कहे कि झूठे हो, कोई कहे तुम उससे बड़े झूठे हो, तो वो कहते हैं टिकैत, आप कहते हैं बीजेपी और ओवैसी चाचा भतीजा हैं। असीम बकार, नहीं टिकैत साहब ने कहा कि अभी तक ओवैसी साहब पर केस नहीं हुआ, जेल नहीं गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके चैनल से जी, कि आप दिखाइए कि साल भर के आंदोलन में टिकैत साहब कैसी कैसी बातें बोले और कहां जेल गए, कोई जेल गए हो टिकैत तो बताइए मुझे। और ओवैसी साहब पर तो अभी 3 दिन पहले मुकदमा हो गया उत्तर प्रदेश में,
अकबर साहब पे तो इतने केस लगे हुए हैं कि वो आप लोग को सबको पता है कि कितने कितने दिन जेल रहे, इंग्लैंड से वापस आए, गिरफ्तार कर लिए गए, जेल चले गए। वैसी साहब का एक वीडियो है, फोटो है नेट पर, उनकी पीठ देखिए कि क्या हाल पुलिस ने किया उनका, उनको जेल जाना पड़ा, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। टिकैत साहब आप जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं अब आपसे अब आपकी ही भाषा में बात कर रहा हूं, क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस आपको? लोगों के मकान किराए दे रही है, अरेस्ट किए ले रही है, और आप सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके हिसाब से अगर आप पे मुकदमा नहीं हो रहा है तो आप मिले हुए हैं बीजेपी से, यही आपकी भाषा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही बोले, आप जवाब दीजिए। देखिए प्रतीक साहब, धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम है जी, पांच साल तक लोगों को पछताना पड़ेगा अगर अब्बा जान और पिताजी और मम्मी और डैडी और चचा के ऊपर अगर चुनाव हुआ तो जी। चुनाव होना है महंगाई पर, रोजगार पर, खराब कानून व्यवस्था पर, अपराध पर, चुनाव सरकार की नाकामियों पे होना है, चुनाव जनता के मुद्दों पर होना है। तो और भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है, कैसे तय होगा? सवाल किया जाए गली गली खड़े होकर, असीम भाई कैसे तय होगा? कांग्रेस 100 रुपए में क्यों बेच रहे हो भाई? भाई कैसे तय होगा ये तो 10 सेकंड देंगे मुझे जी, मैं दे रहा हूँ शुभम आ रहा, तो कैसे तय होगा जब वो कह रहे हैं? अब देखिए एक बात ये बता दीजिए आप, मैं आपसे कह रहा हूँ महंगाई पे बात कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसानों का जो मुद्दा है उसको कैसे हल्की करेगी सरकार? नहीं तो राहुल गांधी जी तो कहते हैं बीजेपी लक्ष्मी और दुर्गा को मारती है, बीजेपी की गेंद से खेल रहे हैं। नहीं सवाल तो ये है ना, टिकैत साहब बीजेपी की गेंद से खेल रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, साहब बीजेपी की गेंद से खेल रहे हैं सर। मैं